हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हाजिर हूँ रिफ्रेशिंग वाटरमेलन ड्रिंक के साथ। वाटरमेलन को आप किसी भी तरह से लीजिए, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील देता है। तो आज मैं दो तरह से वाटरमेलन का ड्रिंक बस 5 मिनटों में बनने वाला शेयर की हूँ, वाटरमेलन मोहितो और वाटरमेलन शेक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वाटरमेलन मोहितो बनाते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए वाटरमेलन, डीसीडेड पुदीना के पत्ते और सोडा। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा लेमन और कुछ पुदीना के पत्ते, मिंट लीव्स जो है, इसे मैं क्रश कर लेती हूँ। मोहितो में मिंट लीव्स मस्ट है, लेमन एंड मिंट लीव्स। तो इसे थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया। तो देखिए, वाटरमेलन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डी सीड करके रखा था, इसके जो बीज है वो निकाल के रखा था। उसके बाद उसको मिक्सर में ब्लेंड कर लिया। फिर देखिए, ये जो क्रश करके मैंने रखा था उसे मैं थोड़ा सा ग्लास में डाल दूंगी। थोड़े से आइस के टुकड़े। अब इसमें गया वाटरमेलन का जूस। अब थोड़ा सा सोडा। तो बस रेडी हो जाएगा वाटरमेलन मोहितो। किसी को भी सर्व कीजिए, वो आपको बहुत ही दुआ देगा, इन गर्मियों में एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फील देगा। तो लीजिए, रेडी है वाटरमेलन मोहितो, 5 मिनटों में बनकर रेडी है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खूब एंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको इस वाटरमेलन मोहितो कैसा लगा, और या आप किस तरह से वाटरमेलन मोहितो बनाते हैं। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद माय न्यू वीडियोस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाटरमेलन शेक की ओर। चलिए, अब बना लेते हैं वाटरमेलन शेक। ये समर्स में बहुत ही रिफ्रेशिंग फील कराता है। उसके लिए हम चाहिए वाटरमेलन का जूस। देखिए, हमने ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लिया है डीसीड करके। देखिए, सब्जा को मैंने भिगो के रखा है पानी में, चिल्ड मिल्क, और देखिए ये मिठाई में जो कॉन्डेंस्ड मिल्क है उसको हमने लिया है। आप कॉन्डेंस्ड मिल्क अगर अवेलेबल नहीं है आपके घर में, आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब असेंबल करने की बारी। हम मेसन जार ले लिया है, इसमें हम वाटरमेलन का जूस डाल देते हैं। बस 5 मिनटों में बन जाएगा, कोई आपके घर पर आए या आपके बच्चों को चाहिए तो तुरंत बन जाएगा। फिर हम इसमें ये जो सब्जा है बेसिल सीड्स, इसको डाल देते हैं। ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है, तो इसे हम डाल देते हैं, सब्जा सीड्स। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं चिल्ड मिल्क। अब हम इसमें ऐड करते हैं मिठाई मेट, ये एक रिचनेस देता है ड्रिंक को। हम इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या कुछ नहीं हो तो आप शुगर पाउडर भी ऐड कीजिए। ये गया इसमें मिल्क मेड, वाओ, इतना इसका टेस्ट अच्छा होता है। चलिए, इसमें गया ये मिल्क मेड। अब हम इसमें कुछ पीसेस छोटे छोटे ऐड कर देते हैं। ये जब मुंह में आते हैं तो खाने में भी आपको टेस्टी लगता है। और अगर आपके पास आइसक्रीम तो इसे टॉप कीजिए आइसक्रीम के साथ, तो आपके बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो लीजिए, रेडी है। थोड़ा सा इसमें आप स्ट्रॉबेरी सिरप से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। टॉपिंग आप जैसा भी कीजिए, आपकी मर्जी है। तो आज तक के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ढेर सारी खुशियाँ बांटिए।